हाय दोस्तों, मैं आ चुका आपका यूट्यूबर दोस्त ई एफ एच एस आपके नए वीडियो लेके गाइस। तो गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम सुपर। ट्रांजिशन ट्राई करेंगे, देखते अपनी मैजिकल पावर्स चल रही कि नहीं, देखते। अपन चुटकी मार के ऐसे कपड़े चेंज कर सकते हैं। चल चल, अब इसको लगता है रिचार्ज कर लेंगे। नहीं नहीं, अब वापस अभी हो ही जाएंगे। सो अपना यही तो छोटी सा ट्रांजिशन। आप बोलते रहोगे कैसे क्या हो गया, इतने नौटंकी क्यों? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सो गाइस, आप ना आज का बेसिकली वीडियो होने वाला है, मैंने जैसे अपने टाइटल पढ़ा लिखा, मैंने 5 मंथ्स वीडियो डाले नहीं थे। क्यों 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 क्यों, मतलब क्यों डाले, क्यों नहीं मैंने ये 5 मंथ्स मैंने वीडियो क्यों नहीं डाले, उसके ऊपर मैंने आज का वीडियो अपना शूट कर रहा हूँ। सो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, अच्छा लगेगा ये आपको, मैंने थोड़ी मेहनत नहीं कर रहा हूँ, तो इन्जॉय करना ब्लॉग को, भूलना मत। तो अपना जो ब्लॉगिंग सेटअप है वो सिर्फ अपना काम चलाऊ जैसा ब्लॉगिंग सेटअप है, मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपना मेन रीज़न ब्लॉगिंग सेटअप, ब्लॉगिंग सेटअप मतलब कि ये जो अभी अपन इस पर जो ट्राइपॉड पे यूज़ कर रहे हैं ना, वो कुछ मैं अब आपको दूसरे कैमरे से भी दिखा देता हूँ कैसे हो क्या कुछ। ये देखो ऐसे लोअर एंगल से, अभी मैं इसको लोअर एंगल से शूट कर रहा हूँ इधर से, और यही कुछ अपना छोटा सा ट्राई व्लॉगिंग सेटअप है। जो हमारा भी व्लॉगिंग सेटअप है, जैसे अपना फ़िलहाल के लिए काम चला हुआ है, अपन उससे काम चला सकते हैं अपना, बट अभी अपने इन फ्यूचर का देखना पड़ेगा। तो अपने को अभी जैसे लॉकडाउन खुलेगा वैसे अपन जाएंगे, थोड़ा सा सेटअप के लिए अपन देखेंगे कि ट्राइपॉड, मेरे से भी ट्राइपॉड टूटा था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ट्राइपॉड टूटा है वगैरह। सो वही अपना एक पहला रीज़न यही होता है। तो सेकेंड अपना रीज़न है लेजीनेस, मतलब इतनी है ना कि एडिट कर लियो घंटेला, लोग शूट कर लियो घंटेला, बहुत सारी चीज़ें है उसमें, वो सब करने को घंटेला। अगर मैं किसी भी जगह पे जाता हूँ तो इधर जाने के बाद भी मेरे को इन्फॉर्मेशन उसकी निकालना है, सब कुछ इसके बारे में सब करना 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 करना, वही सब उसमें आता है, और मन नहीं करता तभी ब्लॉग करने का। तो जैसा कि अपना लेजीनेस था ये वाला, सो मतलब ब्लॉग करने के टाइम पे भी घंटाला, मतलब उसको ब्लॉग को ब्लॉग शूट करो, एडिट करो, वापस बाद में फिर उसको एडिट करके क्या करते अपन उसको सेव करो, अगर सब ऐसा सेटअप वेटअप बहुत बना बना के करो, और अगर तुम अगर किसी प्लेस पे जा रहे हो तो उसके बारे में एक दिन पहले पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो करके कि क्या है उधर क्या नहीं, और अपना क्या बाकी है क्या रहता है और क्या रहता है देखो वही, और उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग, मतलब दिमाग के बाहर ही चला जाता है पूरा वो, क्या मतलब क्या करने का रहते बात, मतलब इतना कंटाला आता है ना कि अभी कुछ लोग बोलेंगे कि इतना कंटाला आता है तो ब्लॉग क्यों करता है, क्वेश्चन बराबर, बट ब्लॉग क्यों करता है, काहे के लिए करता है, मतलब ये जो मतलब जो लैंग्वेज है मतलब चेंज है, बट इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है कि अपन एज एक हॉबी इसको ले रहे हैं बस, और कुछ नहीं, मेरी ये हॉबी है इसके लिए मैं अपना ब्लॉग करता हूँ, और कुछ नहीं। और बहुत ज़्यादा जाने कि ये लोग बोलेंगे अभी इसको इतना कंटाला आता है फिर भी ये ब्लॉग क्यों करता है, सत्य है। सो वही देखते हैं अभी आगे के भी अपने बहुत सारे रीज़न्स है, बट ये मेन रहेगा, मतलब हर हमेशा के लिए रहेगा कि ये हटेगा नहीं कभी लेजीनेस का मेरा, मतलब ऐसा जो चीज़ मतलब जैसे एम एस के अपने बोलता है ना कि जिस चीज़ में मज़ा नहीं है ना, उस चीज़ में मज़ा ही नहीं है, मतलब हर बार वही चीज़ रिपीट 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 पक जाते हैं अपन, बहुत मतलब बहुत पकने को हो जाते हैं कि हाँ उठे हो ऐसे उठे हो, ब्लॉग किए वापस, ब्लॉग एंड किए वापस, उसको एडिट किए वापस, पोस्ट किए अपलोड, वही सर सेम डेज रिपीट हो जा रहे ना, तो दिमाग ख़राब होता पूरा, इसलिए मेन रीज़न अपना आ जाता है
लेजीनेस पे, और कुछ नहीं। तो बढ़ते हुए अपना ये रिपोर्ट्स एंड स्ट्राइक्स का सबसे मेन रीज़न है अपना जो अपना जो चैनल था पहले जो ग्रो कर रहा था स्लोली स्लोली, बट कुछ हेटर्स है, पता नहीं क्यों ये हेटर्स को इतनी जलन है अपने से, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, पता नहीं क्यों, बट घूम फिर के गाड़ी इसी पे आती है उनकी और कुछ नहीं, इसी पे मतलब इसी पे ही आती है गाड़ी उनकी, घूम घूम के इधर पे ही आते वो, रिपोर्ट्स मारते नहीं तो स्ट्राइक्स मारते, ये क्यों होते हैं मैं भी आपको बताता हूँ। सो ये जो अपना अभी मैंने बताया था कि रिपोर्ट्स एंड स्ट्राइक्स वाला सीन, तो ये जो सीन है ना मेन अपना रिपोर्ट्स एंड स्ट्राइक्स वाला है, मतलब देखो अभी यूट्यूबर ऐसे है बहुत सारे अपने, मेरे से भी बहुत सारे यूट्यूबर्स है ब्लॉगिंग करते हैं, उनके पास भी हेटर्स है, बस ये हेटर्स पता नहीं कौन सी दुश्मनी है इन्हें हमसे, कि लास्ट टाइम मैंने जब अपना ब्लॉग पोस्ट किया था ना उसमें मेरे को कॉपीराइट क्लेम मिला, कैसे पता नहीं, मतलब इतनी हेट क्यों, मतलब तुम्हें कोई बोले जाके कि पब्लिक में ऐसे सपोर्ट ऐसे ब्लॉग करो, कर पाओगे तुम लोग ऐसे पब्लिक में ऐसे जाके सीधे बोलना है, आपको बोलना पब्लिक में ऐसे बोलना है कि आप ब्लॉग कर पाओगे पब्लिक में जाके, इतनी हेट क्यों, मतलब ना कि लास्ट टाइम मैंने देखा था कि मेरे अकाउंट पे कितने दो या तीन स्ट्राइक थे, मतलब तक इतना कन्फ्यूज़न था पूरा, बट थे क्यों इतना, मतलब अभी कम्युनिटी गाइडलाइन की नहीं, मतलब ऐसे किसी ने भी यूट्यूबर्स ने ऐसे लड़की लग दिया था स्ट्राइक की, हाँ कॉपीराइट है बराबर नहीं ये वो, तुम्हारे पास डिसीजन आपके तुम्हारे हाथ में भी रहता है कि आपको अगर वीडियो अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक और लाइक कर सकते हो, तो वही तुम्हें अच्छा नहीं लगता डिसलाइक करो, बट एक कॉपी स्ट्राइक वाला और रिपोर्ट वाला सीन मत करो, तुम्हें तो ठीक है तुम रिपोर्ट करके चले जाओगे, बट हमें बाद में वो रिपोर्ट का स्ट्राइक निकालना पड़ता है, जिससे जाके उनको जाके रिक्वेस्ट करना पड़ता है, लेटर वेटर सब लिख के देना पड़ता है कि हाँ बाबा कि मत हम लोग ये चैनल बराबर है, ये लोग सिविल लोगों को फेक है सब कर रहे हैं। सो वही अगर आपको गाइस व्लॉग अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, आपके ऊपर डिसीजन रहता है कि व्लॉग को आपने अच्छा इन्जॉय किया कि नहीं किया। सो वही अगर आपको व्लॉग भी अच्छा नहीं लगे तो आप उसको भी डिसलाइक कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, अगर अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर दो, मतलब मोस्ट ऑफ जन तो बैठे हैं, बहुत सारे जन तो लाइक करते हैं व्यूज़ को देखते हैं, और जिनको पसंद नहीं आता आप सीधा डिसलाइक कर दो, आप में कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं रिएक्ट ही नहीं करने का इसे, अभी सिर्फ ये रिपोर्ट और स्ट्राइक वाला सीन मत करो प्लीज़, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे अभी कि बाद में पूरा स्ट्राइक को निकालना पड़ता है, हम लोग को खुद जाके उन लोग से बात करना पड़ता है कि हम लोग का स्ट्राइक है ऐसा फेक स्ट्राइक है ऐसा कुछ नहीं है। सो वही और कम्युनिटी गाइडलाइन वाला स्ट्राइक भी आप डालते हो ना कभी वो भी मत डालो, वापस पूरा चैनल पूरा ग्रोथ थम जाता है उधर पे जगह पे भी, और पूरा चैनल फ्रीज हो जाता है, इसके लिए मत करो ऐसा प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट, नहीं अच्छा लगता डिसलाइक मार दो, टेंशन नहीं। ये मेजर प्रॉब्लम है अपना कि पब्लिक सपोर्ट, जो अपना मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में मस्त मिला, बट स्लोली ये भी चलता है, मतलब इतना सेल्फिश नहीं हो सकता मैं, बट है गुजर जो सपोर्ट करने नहीं, मतलब उनको अपने ही बड़ा सेल्फिश में दिखता है उसमें। बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, पब्लिक सपोर्ट, मतलब पब्लिक सपोर्ट वही रहता है। सो अभी अपना टाइम बैठ के बात करते हैं, हाथ दुखने लगे मेरा भी। सो बात करते हैं अपने अभी पब्लिक सपोर्ट के ऊपर, तो जैसा कि मैंने IGTV पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे, हाँ तो IGTV मैंने जैसे पोस्ट किया था कि उसमें भी मेरे को 1K मिला था, वो मतलब वो सपोर्ट बहुत तगड़ा था, मुझे वही सपोर्ट आपको सीखना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग के व्लॉग्स में भी देखा रहेगा ना आपने 200 सब व्यूज़ गए, 200-300 व्यूज़ गया है, रेयरली गया, आप देख भी सकते जाके प्रीवियसली वीडियोस पे, वैसा सपोर्ट चाहिए बस, मतलब इतना कट्टे ही ज़्यादा वाला सपोर्ट, मैं लास्ट वीडियो में भी पोस्ट किया था ना, कुछ नहीं सिर्फ 69 व्यूज़, फोर्थ डे आज, फोर्थ या फाइव डे, फिफ्थ डे
मतलब पूरी वाट लगी पड़ी, मतलब वीडियो पे व्यूज ही नहीं, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है मतलब व्लॉग देखने के लिए। ठीक है, जिसे देखना वो देखे, मैं तो व्लॉग डालते जाऊँगा। मुझे अपने चैनल पे 50 व्लॉग्स 2 महीने या 1 महीने के अंदर अगले वाले कंप्लीट करने ही है, कैसे भी करके मैं अपने माइलस्टोन को करके रहूँगा। और क्या, हाँ लास्ट टाइम में जैसे अभी मैंने 5 महीने पहले जो ब्लॉग पोस्ट नहीं किया था, मैंने देखा कि अपना चैनल पूरा रेड हो गया, रेड मतलब डाउन 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 जाते 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 उसकी फ्रीक्वेंसी पूरी गिर चुकी थी। अभी वही फ्रीक्वेंसी को अभी अपन पूरे से धीरे धीरे ग्लो ग्रो करते जाएंगे। और मैंने अभी देखा कि लास्ट 1 महीने के अंदर मैंने कुछ 35 से लेकर 28 फॉलोअर्स गेन किए, मतलब कैसे अपने आप हो गया, मतलब ब्लॉग मैंने पोस्ट भी नहीं किए थे, ज़रा भी नहीं पोस्ट किए थे और हो गए। सो वही एक साइड पे आपका सपोर्ट भी नहीं, एक तरफ सबके सपोर्ट भी है। सो वही मतलब होता है ये कि सब बिजी रहते हैं और कोई कोई जन तो ओवर स्मार्ट जो रहते हैं ना तो देखते भी नहीं। ठीक है, मैं तो अपना काम करूँगा, ब्लॉग है मैं ब्लॉग डालते जाऊँगा, मैं अपनी ड्यूटी करूँगा। अभी आपकी ड्यूटी है, आपको ब्लॉग देखना है नहीं देखना है, नहीं देखना है आप डिसलाइक कर सकते, नॉट इंटरेस्टेड वाले भी अपने अभी फंक्शन थोड़ी दिन का आने ही वाला है यूट्यूब पे अपडेट्स में। तो वही और क्या, पब्लिक सपोर्ट जैसे जैसे अभी मिलते हैं ऐसे अपना अभी 150 भी होने वाला है, 134 हो चुका है, बस और 20 सब्सक्राइबर्स चाहिए फिर अपना 150 सब्सक्राइबर्स का अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा आराम से, ठोके ताली। तो वही भाई अपना यही था गाइस अपना आज का वीडियो। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब ऑन दिस वीडियो और चैनल को भी। सो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो।